बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हमने अपनी क्लास में एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है। आज जो हमारी क्लास है और इसका टॉपिक है वो है ऑल राउंड वॉइसेस। ऑल राउंड आपको मालूम है ऑल राउंडर किसे कहते हैं, जो हर फन मौला हो। तो आज जो हम क्लास का टॉपिक है हमारा वो है ऑल राउंड वॉइसेस। इसमें हम एक्टिव टू पैसिव भी करेंगे, पैसिव टू एक्टिव भी देखेंगे। लेट वाले वॉइसेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेगेटिव भी एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम अपने वॉइसेस को कवर अप करें। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है परफॉर्म द सलात। सलात कहते हैं स्टूडेंट्स नमाज को, नमाज भी लिख सकते हैं और प्रे भी लिख सकते हैं। परफॉर्म द प्रे, नमाज अदा करो। देखें सब्जेक्ट एब्सेंट है तो लेट वाले वॉइस हो गए ना, यानी एक्टिव फॉर्म में है लेकिन वॉइस पैसिव में करना है। और ये कौन से वॉइसेस कहलाते हैं, एल ई टी, लेट वाले वॉइस। परफॉर्म द सलात तो कैसे बनेगा, लेट द सलात, लेट द सलात, बी का इजाफा, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म। आपको मालूम है पैसिव बनाते वक्त लाजमी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेट द सलात बी परफॉर्म्ड, एक्टिव से पैसिव में आ गया। अगला जुमला आप देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी लेट लगा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है। इट्स मीन के ये पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव में लाएंगे, एक्टिव में लाएंगे तो लेट हट जाएगा, बी हट जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो टेकन, टेकन की फर्स्ट फॉर्म टेक आ चेयर, एक्टिव फॉर्म में आ गया टेक आ चेयर। जब आप पैसिव बनाएंगे आपको मालूम है लेट लगेगा, लेट आ चेयर, बी का इजाफा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, पैसिव टू एक्टिव। ओबे द एल्डर, एल्डर्स बड़ों को कहते हैं, ओबे फरमाबरदारी। सब्जेक्ट एब्सेंट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये वही सेंटेंस हो गया हमारा फर्स्ट वाला, यानी लेट वाला, लेट द एल्डर्स, बी का इजाफा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द एल्डर्स बी ओबेड। लेट द मैंगो बी कट, कट की तीनों फॉर्म यही होती है स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट लगा हुआ है एक्टिव पैसिव फॉर्म में, एक्टिव में लाएंगे, आपको मालूम है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। कट द मैंगो जब आप चेंज करेंगे पैसिव बनेगा, पैसिव टू एक्टिव आया। आ फिलिप इज वॉश्ड बाय हर, वॉश्ड, ईडी लगा हुआ है, बाय का इजाफा है, शी रिप्लेस हुआ बाय, पैसिव फॉर्म है। देखें कई आइडेंटिफिकेशन मौजूद है, थर्ड फॉर्म मौजूद है, बाय लगा हुआ है और शी रिप्लेस होके हर बना है। तो ये पैसिव में एक्टिव में लाएंगे, एक्टिव में लाने के लिए आपको मालूम है शी इस आ रहा है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में जाएगा, शी वॉच, वॉच में यस लग जाएगा क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी वॉचेस आ फिल्म, एक्टिव फॉर्म में आ गया। पैसिव में लेके जाइए आ फिल्म इज वॉच्ड बाय हर, पैसिव टू एक्टिव। फूड वॉज बींग ईटन बाय अस, पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, एक्टिव में लेके जाएंगे अस, वी आ जाएगा, वी, वी के साथ क्या आता है, वर आता है, वी वर, वर के साथ एक्टिव फॉर्म में आपको पता है जो फैमिली होती है वही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वी वर ईटिंग फूड। जब आप पैसिव में करेंगे तो फूड वॉज बींग ईटन बाय अस, पैसिव दिया हुआ था हमने इसको एक्टिव में चेंज किया है। आगे जुमला लिखा हुआ है हमारे पास एम आई रीडिंग बुक, एम आ रहा है, इंट्रोगेटिव जुमला हुआ है स्टूडेंट्स। जब आप पैसिव में लाएंगे तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा
लेकिन जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि बुक सिंगुलर है इसलिए, और सिंगुलर के साथ इस आएगा, इस बुक। प्रेजेंट कंटिन्यू फैमिली है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फैमिली है। किस में चेंज होती है? इस बीइंग, इस बुक बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बुक बीइंग रेड बाय मी। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, रीड की तीनों फॉर्म यही होती हैं। पढ़ने में प्रोनंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग सेम है। इस बुक बीइंग रीड बाय मी। डिड अकरम टेक टी, एक्टिव फॉर्म में, पैसिव में लाएंगे। जब आपका जुमला पास इंडेफिनेट हो तो वो चेंज होता है वॉस में, वॉस या वर में, वॉस टी, वॉस टी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स टेक का मतलब लेना होता है, और चाय पीना, कॉफ़ी पीना, दवा लेना, इसके लिए हम टेक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूध पीना, लस्सी पीना, पानी पीना, इसके लिए हम ड्रिंक यूज़ करेंगे। दवाई पीना, टेक यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉस टी टेकन बाय, और सब्जेक्ट आपका क्योंकि नेम था और नेम रिप्लेस नहीं होता, वॉस टी टेकन बाय अकरम। विल यू परचेज लैपटॉप, विल से जुमला शुरू है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव है, तो विल किस में रिप्लेस होता है? विल बी में, और एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। विल लैपटॉप, विल लैपटॉप बी, बी का इजाफा, विल बी, एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे। विल लैपटॉप बी परचेज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज्ड बाय यू, यू रिप्लेस नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट में विल बी है। आई हैड किल्ड अ रैट, हैड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? हैड बीन में, अ रैट हैड बीन। अगर ये इंट्रोगेटिव होता है स्टूडेंट्स तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले आता एक बाद में, नेगेटिव होता तो हैड नॉट बीन, लेकिन अफर्मेटिव है, सादा जुमला है। अ रैट हैड बीन किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई हुई है, बाय मी, अ रैट हैड बीन किल्ड बाय मी। विच फ्रूट डू यू लाइक, विच कौन सा फल तुम पसंद करते हो? देखिएगा सेंटेंस, एक नया सेंटेंस सामने आया है, विच, विच फ्रूट। स्टूडेंट्स जो जुमले आपके पास ऐसे हो ना, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा लिबास पसंद है, कौन सा त्यौहार पसंद है, तो आपने विच के साथ उस चीज़ को अटैच करना है, कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपने क्या लिखना है? विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग पसंद करते हो, विच कलर। तो ऐसे जुमले जो कौन सा हो ना और उसके साथ जो लफ्ज पूछा जाए, आपने उसको उसके साथ ट्रांसलेट करना है। विच फ्रूट डू यू लाइक, तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डू और डू चेंज होता है इसमें, विच फ्रूट इज लाइक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का इजाफा, और सब्जेक्ट क्योंकि यू था और यू रिप्लेस नहीं होता, विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय यू। स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादातर बच्चों ने वीडियोस देखी हुई हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, जिसकी वजह से जो है और स्टूडेंट्स तक जो है वो चैनल नहीं पहुंच पा रहा। चैनल को शेयर भी करें और लाइक शेयर करें, ताकि आपके आपके ज़रिए से और भी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यू डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्रेजेंट फैमिली है, तो चेंज होते वक्त आपको मालूम है फायर ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा। फायर इज नॉट, फायर इज नॉट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और प्रपोजिशन ऐसे ही आ जाते हैं साथ। फायर इज नॉट प्लेड विथ बाय का इजाफा, और सब्जेक्ट क्योंकि आपका यू था और यू रिप्लेस नहीं होता, और इसलिए हमने यू को ऐसे ही लिख लिया। यू डू नॉट प्ले विथ फायर, फायर इज नॉट प्लेड विथ बाय यू।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये ऑलराउंड एक्टिव पैसिव समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।